हेलो दोस्तों, वेलकम टू द टॉक शो। तो आज हम इस टॉक शो में डिस्कशन करने वाले हैं विक्रम वेदा मूवी के टीजर और उसकी मूवी के डिस्कशन के ऊपर। हालांकि हमारे साथ कुछ नवे और कुछ पुराने दोस्त जुड़ेंगे और उनके साथ उनका रिव्यू लेना चाहूंगा और वो क्या क्या डिस्कशन करते हैं इस बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉक शो के साथ। तो चलिए मैं आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ। वैसे इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी फिल्मी इंडियन से दीक्षा शर्मा, BNF टीवी से बादल भाई और हमारे बहुत रिव्यू से मलिक भाई भी हमारे साथ आज जुड़ेंगे, तो इसमें बहुत सारी डिस्कशन होगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस इस वीडियो के साथ, यानी टॉक शो के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो आप सब्सक्राइब सबसे पहले करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं दीक्षा मैडम से पूछूंगा, क्योंकि लेडीज फर्स्ट है यार। तो मैडम आप ये बताओ कि ऑडियंस को आप क्या कहना चाहते हैं इस मूवी को लेकर। बॉस आज उसका टीजर आ गया है एंड एक बात बताऊं, शायद ये फिल्म आज तक का सबसे बड़ा एग्जाम होने वाला है ऑडियंस के लिए। तो मलिक भाई अगला क्वेश्चन मैं आप पे आऊंगा कि आपको टीजर देख के सबसे पहले कैसा लगा, मतलब हाउ डज इट फील। हो भाई साहब, व्हाट अ बैकग्राउंड म्यूजिक, व्हाट अ BGM मैन। मतलब के इतने टाइम के बाद कोई ऐसा टीजर आया है जिसका BGM सुन के मुझे गूज बम्स आया। तो अगला क्वेश्चन मैं अपने बादल भाई पास जाऊंगा। बादल भाई आप मुझे ये बताइए कि इस मूवी में क्या ऐसा दिखाया जाएगा, क्योंकि जैसा इस मूवी के अंदर अपने को दिखाया जाएगा ना कि चीजें गुड वर्सेस बैड इतनी सिंपल नहीं है। चलिए ये तो बात रहेगी देखने की। अब ये बताइए इस मूवी में कोई आर्ग्यूमेंट्स भी निकल के निकलते हैं कि भाई विक्रम वेदा का तो हिंदी डब पहले से अवेलेबल है MX प्लेयर और Disney+ पे। भाई आप मुझे बता रहे थे कि हिंदी रीमेक के स्क्रीन प्ले के लिए किसी और को क्रेडिट दिया, वो कौन था? ये नीरज पांडे को क्रेडिट दिया है, वही नीरज पांडे जिन्होंने अवेयरनेस डे, स्पेशल 26, बेबी, MS धोनी जैसी मूवी के राइटर रहे हैं। इतना सुनने के बाद मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि जो डायरेक्टर्स को फिर से चांस मिल रहा है उनकी स्टोरी को फिर से बताने का। तो दीक्षा मैडम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि आप तो ऋतिक के बहुत बड़े फैन हो, तो आप कुछ बताओ ना उनके बारे में। पहले बार टीजर की तो बॉस ऋतिक रोशन ने आग लगा दी है, आग प्योर मास अवतार। उनके सीन्स कितने लॉजिकल है, रियल लाइफ में कितना पॉसिबल है, यूपी वाला एक्सेंट गड़बड़ है या परफेक्ट, इन सबको इग्नोर कर दोगे जब बंदे का लुक एज वेदा स्क्रीन पर सामने आता है। क्या खतरनाक एटीट्यूड प्लस विटी डायलॉग्स। क्या आपको सैफ अली खान पसंद नहीं है? सैफ अली खान एज विक्रम अच्छे हैं, पूरे टीजर में ऐसा उनका कुछ स्पेशल टाइप का प्रेजेंस मेरे को फील नहीं हुआ। बस वेदा को कोई चैलेंज करने वाला है ऐसा लग रहा है, कहानी के लिए एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। कर दी बेइज्जती मैडम, कभी तो अच्छा बोल लिया करो मैडम, बट कोई बात नहीं, यू आर स्टार। अच्छा तो आपने ऐसा क्यों बोला कि ऋतिक के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इसमें एक्टिंग करना होगा? क्योंकि ओरिजिनल विक्रम वेदा में विजय सेतुपति को रिप्लेस करना 1000% इम्पॉसिबल। उनका एंट्री सीन फिल्म में इंडियन सिनेमा में किसी भी विलन का सबसे आइकॉनिक इंट्रोडक्शन प्लस विजय सेतुपति की कॉमिक टाइमिंग इज परफेक्ट। मलिक भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि इस टीजर में आपका फेवरेट सीन कौन सा है, एक बार कुछ जरा बता दो ऑडियंस को, मजा आ जाएगा। फेवरेट सीन था जैसे ही गाइस सैफ अली खान पिस्टल की मैगजीन नीचे गिराते हैं, फिर अगले ही मोमेंट में मैगजीन डालते हैं, ओए होए, और उनके फेस पे जो किलिंग लुक होती है, 4-5 दफा मैंने बैक करके वो सीन देखा है। बादल भाई लास्ट टाइम आपने मेरे को बताया था इसके बजट के बारे में, एक बार पब्लिक को भी बता दो इन दोनों का बजट कितना है, पुराने वाली और नवे वाली का, दोनों का एक बार कंपैरिजन बता दो। ओरिजिनल विक्रम वेदा थी वो सिर्फ 11 करोड़ में बनी थी 2017 के अंदर, और ये हिंदी वर्जन का बजट है 175 करोड़। चलो ये तो बजट की बात रह गई ना भाई, आपने मेरे को ये भी बताया था कि बॉलीवुड अलग क्यों है। लिसन टू मी केयरफुली, आज सुबह ही मैं ओरिजिनल विक्रम वेदा देख रहा था और उसके बाद जब मैंने इसका टीजर देखा तो इस हिंदी वर्जन के अंदर बहुत सारे शॉट्स ऐसे हैं जो कि मुझे सैनिटाइज्ड फील हुए। यू नो जैसा बॉलीवुड अपनी मेजोरिटी मूवीज के साथ करता है कि चीजें एकदम क्लीन फील होनी चाहिए, एकदम सिनेमैटिक लगना चाहिए, स्किन टोन एकदम परफेक्ट। अच्छा बादल भाई आप इस टीजर में किसकी तरफ लीन कर रहे हो? ये जो 1:54 का टीजर है ना, उसके अंदर तो मैं पर्सनली थोड़ा बहुत सैफ अली खान की तरफ लीन कर रहा हूँ। तो दीक्षा मैडम आपके लिए ये लास्ट लीस्ट क्वेश्चन मेरे लिए रहेगा कि आपके हिसाब से ऋतिक रोशन को क्या एडवांटेज रहेगा, क्योंकि आपने पहले भी बताया था इस डिस्कशन के बारे में। फिल्म का बजट, उनके हाथ में गन्स आ जाएंगी बड़ी बड़ी, लुक को और ज्यादा स्कैरी बनाया जा सकता है, प्लस स्टंट्स वगैरह भी ओरिजिनल फिल्म के कंपैरिजन में ज्यादा एक्साइटिंग होंगे। अच्छा दीक्षा मैडम आप कुछ लास्ट में बोलना चाहेंगे? कि जिसका जिक्र मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में किया था, देखो बॉस रीमेक एक ऐसा शब्द है जिससे बॉलीवुड चाहे जितना कोशिश कर ले अपना पीछा इतनी आसानी से नहीं छुड़ा सकता। अच्छा अरे पता लग गया गाइस ये रीमेक है यार, रीमेक है गाइस, पता लग गया। सिर्फ इसीलिए इस टीजर को बुरा बोल देना कि बॉस ये रीमेक है, ऐसा झूठ वाला काम मेरे से तो नहीं होगा, जो अच्छा है उसको अच्छा तो बोलना पड़ेगा ना। सूरज कहाँ से निकल रहा है मैडम, बेइज्जती नहीं कर रही टीजर की, रीमेक होने के बावजूद भी। सूरज कहाँ हो तुम, उल्टी साइड से तो नहीं आ गए? टीजर के बारे में सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप इसको बॉयकॉट तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। क्यों?
क्योंकि यार डायरेक्टर पिछले का भी यही था और अब का भी यही है, तो हम इसको बॉयकॉट तो क्या ही नहीं सकते, क्योंकि एक तरह से बॉलीवुड है, क्योंकि बॉलीवुड पैसा ज्यादा लगाता है यार। ऑलरेडी बॉलीवुड की जितनी भी अपकमिंग मूवीज आई है दे आर डंप्ड, क्योंकि ओटीटी की वजह से या फिर किसी भी रीमेकिंग स्टोरीज की वजह से ये सब चीजें आगे बढ़ नहीं रही। तो मैं इतना ही कहूंगा कि ऋतिक रोशन ने जिस मूवी में पैर डाला है शायद कुछ धमाका देगी यार, क्योंकि यार ऋतिक रोशन है। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए गाइस और बात करने के लिए इस टॉक शो पे। गाबी तक लिए ते जॉइन वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यार इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर एंड शेयर एंड शेयर, बहुत अच्छा लगेगा। और भी टॉक शो और भी डिस्कशन के साथ हम आगे आएंगे और मजा आएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।